हेलो एंड वेलकम टू द होम कुक। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर की बहुत ही डिलीशियस टिक्की। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, 2 हरी मिर्च, 1 इंच किसी हुई अदरक और थोड़ा सा हींग। अब हम इसमें 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाए तब हम इसमें 1/2 किलो छिली हुई मटर डालेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम मटर को पकने के लिए ढक देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब हम इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। जब हमारी मटर पक जाएगी तब हम इसमें 1 टेबलस्पून सब्जी मसाला डालेंगे। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब हम मटर को थोड़ा हल्का सा क्रश कर लेंगे। हमें बहुत ज्यादा क्रश नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा करना है। देखिए हमारी मटर रेडी है। और अब हमने 1 किलो बॉइल्ड आलू लिए हैं और इनको भी हम क्रश करके रख लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, जीरा पाउडर और अपने स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से आलू के बैटर के साथ मिला लेंगे। अब हम आलू की एक लोई बनाएंगे और उसको बीच से इस तरह से कर लेंगे। अब इसके बीच में जो हमने मटर बनाई थी उसको करीब 1 टेबलस्पून मटर बीच में इस तरह से फिल कर लेंगे और इसको बंद करके इस तरह से इसकी टिक्की बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे अपनी टिक्कियां बना ली हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में हम करीब 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसमें अपनी टिक्की रखेंगे। हमें टिक्की को लो फ्लेम पर पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए हमारी टिक्की एक साइड से कितने अच्छे से पक गई है। अब हम दूसरे साइड से भी इसको फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप इसको धीमे आंच पर ही पकाएं। तो देखिए हमारी एकदम गर्मा गर्म टिक्की रेडी है। आप इसको चाहें तो हरी चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द होम कुक।